good morning students again i continue with you with a new poem of class 8 that is wishing children this poem is for class 8 it is unit 5 section a okay students today we are going to start unit 5 and this is section a today i will explain to you the poem wishing and the poet of this poem is ella willer wilcox okay students let's start this poem wishing If you were told that you have to make three wishes about the important things in your life, what would your wishes be? Write down your wishes. Children, the poet is asking you a question that if you were told that you have to make three wishes, it means अगर आपको ये बोला जाए कि आपको कोई three wishes करनी है about the important things in your life, what would your wishes be? तो so, आपकी wishes important things in your life के ऊपर आपकी विशेष क्या होंगी राइट डाउन राइट डाउन योर विशेष आपको अपनी विशेष लिखनी है ओके स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट ऑफ दिस देंजर डू यू विश द वर्ल्ड वर बेटर लेट मी टेल यू व्हाट टू डू सेट एच अपॉन योर एक्शंस कीप देम ऑलवेज स्ट्रेट एंड ट्रू नाउ चिल्ड्रन द पोएट इज सेइंग अस डू यू विश द वर्ल्ड वर बेटर कि क्या आप ये चाहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये बहुत ही बेटर हो जैसा ये अब है उससे अच्छा हो लेट मी टेल यू व्हाट टू डू अगेन द पोएट इज टेलिंग अस दैट वो हमें बताती है वी वॉट टू डू यानी हमें करना क्या है सेट ए वॉच अपॉन योर एक्शन कीप देम ऑलवेज स्ट्रेट एंड ट्रू यानी जो भी हम काम करते हैं जो भी हमारे एक्शन होने चाहिए वो बहुत ही स्ट्रेट होने चाहिए और वो ट्रू भी होने चाहिए इट मींस अगर हम चाहते हैं कि ये वर्ल्ड बेटर हो तो हमें हमें अपने आप से शुरुआत करनी है वी हैव टू स्टार्ट दिस ओके वी हैव टू वॉच आर एक्शन एंड कीप देम ऑलवेज स्ट्रेट एंड ट्रू ओके नाउ द सेकेंड स्टेंजा डू यू विच दर्ड वेट वाइजर वेल सपोज यू मेड ए स्टार्ट बाय एकटिंग विजडम इन योर स्क्रेप बुक ऑफ योर हार्ट इट मीन पोएटे कह रही है कि क्या हमें ये लगता है की जो वर्ल्ड है ये क्या होना चाहिए वाइजर होना चाहिए यानी सब कुछ जो वर्क हो वो बहुत ही बुद्धिमानी से हो तो वेल सपोज यू मेड ए स्टार्ट तो हमें स्टार्ट किससे करनी है इसकी स्टार्ट भी हमें अपने आप से ही करनी है बाय एकटिंगटिंग मीन्स होता है बच्चों को कलेक्ट करना By accumulating विजडम तो यानी विजडम जो बुद्धि है उसको हमें कलेक्ट करना होगा अब हम आप ये बोलेंगे कि मैम की हम विजडम को कलेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए, इन द स्क्रैप बुक ऑफ योर हार्ट यानि हमारा जो हार्ट है हमारा जो मन है हमें क्या करना है अब उसकी स्क्रैप बुक में क्या करना है बुद्धि को कलेक्ट करना है इट मीन्स क्या होगा कि हमें अपने मन में अच्छे विचार रखने हैं हमें अपना काम खुद से बुद्धिमानी से करना है और अपना मन बहुत ही अच्छा रखना है तो हमें क्या लगेगा कि ये वर्ल्ड वाइजर हो रहा है यानी स्टार्ट हमें अपने आप से करना है नाउ टू नॉट वेस्ट वन पेज ऑन फॉली लिव टू लर्न एंड लर्न टू लिव तो हमें क्या करना है डू नॉट वेस्ट वन पेज ऑन फॉली हमें इस स्क्रैप बुक का जिसमें हमें इतने अच्छे से हमने अपनी विजडम को अपने स्ट्रेट और ट्रू एक्शन को सजा के रखा है उसका एक भी पेज वेस्ट नहीं करना है यानी हमें अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो कि गलत हो लिव टू लर्न यानी हमें जीना है सीखने के लिए एंड लर्न टू लिव और क्या करना है लिव टू लर्न जीना है सीखने के के लिए लिए और सीखेंगे जीने यानी ये दोनों काम हमें एक साथ करने हैं इफ यू वॉन्ट टू गिव मैन नॉलेज यू मस्ट गेट इट एर यू गिव यानी इफ यू वॉन्ट टू गिव मैन नॉलेज अगर तुम किसी को भी नॉलेज देना चाहते हो यू मस्ट गेट इट तो पहले वो नॉलेज हमें खुद होनी चाहिए तभी तो हम किसी को वो नॉलेज दे पाएंगे एर यू गिव यानी देने से पहले वो नॉलेज हमें खुद ही कलेक्ट करनी है अगर हमारे पास कोई नॉलेज होगी तभी तो हम उसको किसी को दे पाएंगे। यानी कि अगर हमें लगता है कि हमारी ये विश है कि ये दुनिया क्या है बहुत ही खुश होनी चाहिए तो हमें क्या करना है देन रिमेम्बर डे बाय डे हमें ये हर दिन ये बात याद रखनी है जस्ट टू स्कैटर सीड्स ऑफ काइंडनेस यानी हमारी जो काइंडनेस के जो बीज है हम जिस भी रास्ते से गुजरे उन्हें डालते हुए चलना है इट means यानी हमें अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे काम करने हैं। अगर हमारी किसी की हेल्प की जरूरत है किसी को हमारी तो हमें उसकी हेल्प करनी है यानी हमें जो काइंडनेस के सीड्स है उनको scatter करना है फैलाना है एज यू पास अलोंग द वे यानी जिस रास्ते से भी हम जाते हैं जैसे हमारी लाइफ पास होती है हमें जो काइंडनेस के सीड्स है उन्हें स्केटर करना है फॉर द प्लेजर ऑफ द मैनी आर ऑफ टाइम्स ट्रेस टू वन एज द हैंडेड प्लांट एंड एक सन तो यहाँ पे पोएट हमें बता रही है की फॉर द प्लेजर ऑफ मेनी एयर ऑफ टाइम्स टेस्ट टू वन यानी बहुत सारे लोगों की खुशियों के लिए ऑफ्ट होता है ओफन कभी कभी किसी एक को कुछ करना पड़ता है इसके लिए पोएट ने हमें देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है एज द हैंडेड प्लांट एंड एकोन यानी एक जो एक्रोन का ट्री है देखिए बच्चों यहाँ पे आपको ये एक्रोन का ट्री दिखाई दे रहा है और क्या होता है इसकी शेड़ो में देखो कितने सारे लोग क्या है आराम कर रहे हैं तो यहाँ पे तो पोएट में बताना चाह रही है कि जैसे कि कोई एक्रोन का ट्री होता है एक को तो कोई एक इंसान है यानी उसको जो लगाने वाले हाथ होते हैं वो तो किसी एक इंसान के होते हैं शेल्टर्स आर्मी फ्रॉम द सन लेकिन सूरज की धूप से चलते चलते जब बहुत सारे लोग जिनके हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते हैं थक जाते हैं तो वो कहाँ पे बैठते हैं किसी ना किसी ट्री के शेड़ो में बैठते हैं देखिए जैसे ये बैठे हुए हैं तो जो ये लोग इसके शेल्टर ले रहे हैं इसकी छाया ले रहे हैं शेड़ों में बैठे हुए हैं और शेल्टर ले रहे हैं तो ये बताइए इन लोगों ने तो ये पेड़ नहीं लगाया है तो कभी कभी क्या होता है भगवान किसी एक इंसान को चुनता है और वो क्या करता है बहुत सारे लोगों की हेल्प करता है जैसे कि एज द हेंडेड प्लांट्स एंड एक शेल्टर आर्मी सोम द सन यानी पेड़ एक्रोन के पेड़ को लगाने वाले हाथ तो किसी एक इंसान के होते हैं लेकिन हेल्प वो बहुत सारे लोगों की करता है understand the poet is wanted to say that you have to help others okay this poem is written by ella willer wilcox students i hope you understood this poem thank you thank you for watching this video